नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां लोगों को हाथों को सैनिटाइज कराने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सैकड़ों लोगों को चेचक से बचने के लिए निःशुल्क दवाई बांटी गई। आज भारत रक्षा दल के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजीव पांडे के नेतृत्व में संगठन द्वारा चेचक की रोकथाम के लिए पांडे बाजार में निःशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें 71 परिवार के लगभग 300 लोगों के लिए चेचक की दवा का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव पांडे ने बताया कि दवा शीशी की सारी व्यवस्था हमारा संगठन कराता है और मेरी देखरेख में संगठन के साथ ही इसका वितरण करते हैं, और जो दवा लेने नहीं आ पाते भारत के कार्यकर्ता उनके घर तक जाकर दवा खुद ही पहुंचा देते हैं। नगर कमेटी के सचिव गणेश सोनकर ने बताया कि मई जून में गर्मी का तापमान बढ़ने से चेचक का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए पिछले कई वर्षों से पांडे बाजार में कैंप का आयोजन किया जाता है और निःशुल्क दवा का वितरण किया जाता है। इस कैंप में भारत रक्षा दल के साथी मोहम्मद अफजल, द्वारिका ओम प्रकाश, मोनू सोनकर इत्यादि उपस्थित रहे। डॉक्टर राजीव पांडे, जिला कोऑर्डिनेटर भारत रक्षा दल। आज यहाँ पे किस प्रकार का कैंप लगा हुआ है? पता चला है, हमारे कार्यकर्ता हैं गणेश सोनकर जी और ओम प्रकाश जी, इन्होंने बताया कि हमारे मोहल्लों में इस समय चेचक का प्रकोप ज्यादा फैला हुआ है, जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं यहाँ। तो हमने यहाँ एक चेचक के रोकथाम की दवा जो आती है होम्योपैथ में, उसका आज यहाँ वितरण किया गया और लगभग हम समझते हैं कि 300 लोगों को दवा अब तक जा चुकी है और कुछ दवाएं अब हम इन लोगों को देकर जा रहे हैं कि और भी जो लोग बचे हैं इस मोहल्ले में उनको या दवाएं उन तक पहुंचाएं, ताकि इस मोहल्ले के लोगों अन्य जो बचे लोग हैं उनको यह रोग न फैले। कैंप आगे भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। हमारे कार्यकर्ता जिस जिस मोहल्ले में है, अगर उस मोहल्ले में चेचक का प्रकोप फैल रहा है तो हमें सूचित करें, हम लोग वहां कैंप जरूर लगाएंगे। धन्यवाद। ये दवा आप निःशुल्क बांटेंगे? कैसे बांटेंगे? बिल्कुल निःशुल्क है यह दवा, हमारे भारत रक्षा दल की तरफ से है। गोली, शीशी और दवा, यह सब व्यवस्था भारत रक्षा दल कर रहा है, एकदम निःशुल्क है, जनता तक पहुंचे ताकि जनता में इस रोग का फैलाव न हो।